नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं ये कहानी खत्म हुई, और कहानी खत्म इस तरीके से हुई कि लोग तालियां बजाते बजाते रोने लगे। आज बात करेंगे एक दूरदर्शी लीडर की, एक राष्ट्र निर्माता की, जिसको अपन एक मशहूर उद्योगपति के रूप में जानते। तो श्रीमान रतन टाटा जी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं, और इनके जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इनके जीवन के बारे में जानते हैं, समझते हैं। अपन सभी को पता है कि रतन जो टाटा जी टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और इनका कल हाल ही में 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके निधन के साथ ही भारतीय उद्योग जगत में एक शून्य की स्थिति है, भारतीय उद्योग जगत में एक युग का अंत है, क्योंकि ये सबसे मशहूर उद्योगपति थे, सबसे प्रशंसनीय उद्योगपति थे, और एक दूरदर्शी लीडर थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत का पूरी दुनिया ने बिजनेस में लोहा माना। और अपन सभी इनसे कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, इनसे समझने का कुछ प्रयास करते हैं कि जो रतन टाटा जी, अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1937 में इनका जन्म हुआ मुंबई में, और उन्होंने 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में अंतिम सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गए। इनकी सामान्य शिक्षा मुंबई में हुई, उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए ये अमेरिका चले गए, और अमेरिका में उन्होंने हायर एजुकेशन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और उसके बाद में ये टाटा कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उस टाटा कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं कि रतन टाटा जी ने 1937 में इनका मुंबई में जन्म हुआ था नवल टाटा और सोनी टाटा के घर में, और 1962 में टाटा स्टील समूह में ये शामिल हो गए। टाटा स्टील समूह की स्थापना इनके पिताजी जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी, और उसी कंपनी में ये सम्मिलित हो गए। जब ये इस कंपनी में सम्मिलित हुए तो उन्होंने उस कंपनी के कारोबार को बेहतरी बारीकी तरीके से देखा, और सभी तरीके के उन्होंने कार्य किए, अर्थात एक सामान्य कर्मचारी से लेकर एक बड़े अधिकारी तक, एक बड़े पदभार तक, एक सीईओ तक, जितनी भी प्रकार की जो पोस्टें होती है उन सभी पदों पर रहते हुए, उन सभी पदों के कार्यों को अच्छे से समझते हुए उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, और टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में लंबे समय तक सेवाएं देते रहे। 1971 में इन्होंने नेशनल रेडियो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड के निदेशक के ये प्रभारी बनते हैं, और उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। मुख्य रूप से रतन टाटा 1991 से जमशेद जी टाटा के बाद में टाटा संस के अध्यक्ष बनते हैं, और 1991 से 2012 तक ये टाटा संस के अध्यक्ष रहते हैं। और इस दौरान उन्होंने न केवल टाटा कंपनी को आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि पूरे भारत के उद्योग को, पूरी दुनिया के उद्योगों को उन्होंने एक नई दिशा देने का कार्य किया। जब टाटा कंपनी की बात आती है तो टाटा कंपनी का सामान्य अर्थ होता है क्वालिटी, टाटा कंपनी का सामान्य अर्थ दुनिया लेती है, भारत लेता है विश्वास। एक ऐसी कंपनी जो क्वालिटी की वजह से जानी जाती है, एक ऐसा समूह जो अपनी ईमानदारी की वजह से जाना जाता है, एक ऐसा समूह जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों की वजह से जाना जाता है। तो 1991 में रतन टाटा के हाथ में टाटा समूह की कमान आती है, उसके बाद में उन्होंने टाटा कंपनी को एक प्रारंभिक, एक ट्रेडिशनल कंपनी से लेकर उन्होंने दुनिया की एक मशहूर कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो 1998 में टाटा जी के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी, भारत की पहली इंडिजेनियस एक कार लॉन्च की टाटा इंडिका। 1998 में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी कार लॉन्च की टाटा इंडिका। हालांकि इसमें उनको ज्यादा सफलता नहीं मिली, और इसकी भी कई कहानियां चर्चा में है जो आप सुनते हो। फिर सन 2000 में एक मशहूर कंपनी जो
चाय से संबंधी टेटलिटी का उनके द्वारा अधिग्रहण किया गया। और जब उन्होंने इस टाटा कंपनी जो टी कंपनी थी, तो टाटा ने टी कंपनी का अधिग्रहण किया। और जैसे ही उन्होंने अधिग्रहण किया तो ये जो टाटा कंपनी थी जो बेवरेज से संबंधित कार्य करती थी उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दुनिया की दूसरी सबसे लार्जेस्ट बेवरेज कंपनी बन गई। फिर 2007 में टाटा सन्स के द्वारा कोरस ग्रुप का अधिग्रहण किया गया। यूरोप की कंपनी थी कोरस, ये कंपनी स्टील से संबंधित थी, स्टील की इंडस्ट्री थी। तो 2007 में टाटा ग्रुप के द्वारा कोरस ग्रुप का एक्विजिशन किया गया, अधिग्रहण किया गया। जब उन्होंने 2007 में ही अधिग्रहण किया तो भारतीय उद्योग जगत के लिए, भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस समय 2007 के बाद में भारत के उद्योग जगत में ये चर्चाएं होने लगी कि भारत दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि जो ये अधिग्रहण किया गया था, ये अधिग्रहण बहुत ही बड़ा अधिग्रहण था, तो कोरस ग्रुप का अधिग्रहण 2007 में टाटा कंपनी के द्वारा किया गया। फिर 2008 में रतन टाटा जी ने भारत की अर्थात दुनिया की सबसे सस्ती नैनो कार लॉन्च की। रतन टाटा जी का सपना था कि भारत के सभी लोग अर्थात भारत का जो मिडिल वर्ग है उनके पास अपनी कार हो। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती नैनो कार लॉन्च की, इसी वजह से ये जाने भी जाते हैं। फिर 2012 में टाटा सन्स के जो अध्यक्ष है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और फिर ये मानद अध्यक्ष के रूप में वर्तमान समय तक ये सक्रिय रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। फिर सन 2000 में टाटा कंपनी के द्वारा एयर इंडिया का पुनर्ग्रहण किया गया, टेक ओवर किया गया। मूल रूप से एयर इंडिया जो कंपनी थी ये टाटा की ही कंपनी थी, लेकिन 1953 में भारत सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया था और उसके बाद में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया, अर्थात ये एयर इंडिया भारत सरकार की कंपनी हो गई थी। लेकिन 2022 में वापस टाटा कंपनी के द्वारा इस एयर इंडिया का पुनर्ग्रहण कर दिया गया, जो एयर इंडिया के लिए, जो टाटा कंपनी के लिए एक बहुत ही गर्व का पल था, एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जो इसकी कंपनी थी वापस इन्हीं के पास में आई और इसके लिए उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की बिड लगाई और उन्होंने इस डील को हासिल कर लिया। जिस समय ये जो डील की गई थी उस समय टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर थे, जबकि रतन टाटा इसके मानद अध्यक्ष थे। इसके बारे में सामान्य जानकारी कि 1953 में इसका अधिग्रहण किया गया, 1953 में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था और मूल रूप से ये टाटा की कंपनी थी। अगर रतन टाटा की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में और उनके योगदान के बारे में बात की जाए तो ये एक मशहूर उद्योगपति थे जिन्होंने भारत के उद्योग की दशा और दिशा दोनों बदल के रखी। जब रतन टाटा 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनते हैं तब टाटा समूह का जो टोटल वैल्यू थी ये लगभग 5.7 बिलियन डॉलर हुआ करती थी और 2016 में टाटा कंपनी की जो टोटल एसेट थी जो बढ़कर लगभग 105 बिलियन डॉलर के आसपास हो गई और उन्होंने टाटा कंपनी का विस्तार दुनिया के लगभग 121 देशों तक किया। टाटा कंपनी को पूरी दुनिया में विस्तार किया, 5.7 बिलियन डॉलर से लेकर 105 बिलियन डॉलर तक ही उन्होंने इस कंपनी को बनाया। तो टाटा समूह को एक वैश्विक समूह में बदला गया और इसके राजस्व को कई गुना बढ़ाया गया। फिर इसे टाटा समूह के द्वारा कई प्रतिष्ठित ब्रांडों का अधिग्रहण किया गया, जैसा कि आपने पढ़ा कि टाटा कंपनी के द्वारा जो स्टील का कोरस ग्रुप था इसका अधिग्रहण उनके द्वारा किया गया, जो टी कंपनी थी टेटली इसका अधिग्रहण इनके द्वारा किया गया और एक सबसे बड़ी
कि जब रतन टाटा जी ने 1998 में भारत की जो स्वदेशी और जो स्वदेशी इंडिका कार बनाई थी, ये कार शुरुआती दौर में सफल नहीं रही, तो रतन टाटा जी ने ये डिसाइड किया कि मैं इस कार को किसी अन्य कंपनी को, जो ये कंपनी खोली थी ऑटोमोबाइल से संबंधित, ऑटोमोटर से संबंधित, इस कंपनी को किसी अन्य कंपनी को मैं बेच दूं। और इसी के रिगार्डिंग में ये अमेरिका की एक मशहूर कंपनी जो फोर्ड थी, उसके डायरेक्टर और उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से ये मिलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ये मिलते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि हमने जो इंडिका लॉन्च की है कार, ये सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रही है और हमें कई गुना इसमें घाटा हो रहा है, इस वजह से आप इस कंपनी का अधिग्रहण कर लीजिए। उस समय फोर्ड कंपनी के जो भी डायरेक्टर थे, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि यदि आपको पैसेंजर कार बनाने का अनुभव नहीं है तो आप इस फील्ड में क्यों आए। इस बात को लेकर रतन टाटा बहुत ही मतलब हर्ट हुए और उन्होंने उस समय डिसाइड किया कि मैं वापस इसी कारों को, वापस पैसेंजर कारों में बेहतर कार्य करूंगा। और फिर उन्होंने जो इंडिका कार थी, उस इंडिका कार पर बेहतरीन काम किया और 2007-08 आते आते पैसेंजर कारों में जो टाटा कंपनी थी, इसने अपना एक बहुत ही बड़ा नाम कर लिया। और फिर विपरीत समय आता है फोर्ड कंपनी का। जब फोर्ड कंपनी का विपरीत समय आया तो फोर्ड कंपनी की दो सबसे मशहूर ब्रांड हुआ करती है, जिसमें जो लैंड रोवर और जगुआर, टाटा कंपनी की द्वारा लैंड रोवर एवं जगुआर जो कार थी उनका अधिग्रहण कर लिया। और इसी के साथ में फोर्ड कंपनी को ये कहना पड़ा कि आपने हमारे पर एक उपकार किया है, आपके द्वारा इन दोनों का अधिग्रहण करके आपने हमारी कंपनी को एक तरीके से घाटे से उभार दिया है और वापस फोर्ड कंपनी ठीक ठाक तरीके से कार्य करने लगी। तो टाटा कंपनी के द्वारा लैंड रोवर का और जगुआर का भी अधिग्रहण किया गया। फिर टाटा कंपनी नवाचार और प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया, उन्होंने नवाचार एवं टेक्नोलॉजी पर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, इसके साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देने से संबंधित भी कार्य करते हैं। हालांकि टाटा कंपनी न केवल इंडस्ट्री सेक्टर में, न केवल उद्योग सेक्टर में, बल्कि ये सामाजिक सेक्टर में, राजनीतिक सेक्टर में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। टाटा कंपनी के द्वारा टाटा ट्रस्ट की स्थापना की गई और टाटा ट्रस्ट वर्तमान में एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, महिला विकास, इन सभी पर ये बेहतरीन कार्य कर रहा है और इस समाज को, इस देश को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही रतन टाटा जी प्रधानमंत्री की व्यापार एवं उद्योग परिषद के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया और अपने अमूल्य सुझाव भारत की सरकारों को दिया और भारत की सरकारों ने उन सुझावों पर काम किया और भारत की प्रगति में भी इनके योगदान की बहुत ही महत्वपूर्ण सराहना है। फिर रतन टाटा जी को अपने कार्यों के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें भारत का सबसे बड़ा सिविल जो पुरुष, दूसरा सबसे बड़ा जो सिविल सम्मान पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त पद्म भूषण से भी ये नवाजा गया और जो ब्रिटिश एम्पायर का एक पुरस्कार है, नाइट ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, इसे भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो रतन टाटा न केवल भारत में बल्कि दुनिया में भी अपने कार्यों की वजह से, अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपनी ब्रांड की वजह से ये बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। तो रतन टाटा जी के बारे में कहा जाता है कि रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति थे, एक दूरदर्शी नेता, एक समाजसेवी और लाखों भारतीय के एक आदर्श थे। बहुत बहुत धन्यवाद।